प्रियंका गांधी के 10 अक्टूबर के दौरे को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू आज वाराणसी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई का कार्य किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय, राजेश मिश्रा, राघवेंद्र चौबे मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि आज पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया है और 4 दिन तक हिरासत में रखा गया है। सीतापुर में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रियंका गांधी को रोका गया। प्रियंका गांधी मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने के लिए जा रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हर भारतीय महिला सुबह अपने घर की सफाई करती है। गांधी जी के सफाई के शिक्षा का पालन कर रही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी के सफाई पर शर्मनाक बयान दिया है कि प्रियंका गांधी सफाई करने ही योग्य हैं। प्रदेश के महिला दलित और सफाई कर्मियों का योगी आदित्यनाथ ने अपमान करने का काम किया है। मैं समझता हूं देश की आधी आबादी महिलाओं की सफाई करती है, साथ ही नगर कस्बे गाँव में जो लोग सफाई करते हैं उनको अपमानित करने का काम किया है। हम कांग्रेसी आज झाड़ू लगाकर यह बताना चाहते हैं कि हम झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान की दृष्टि से देखते हैं। इसी झाड़ू से सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी की सुनवाई 20 तारीख को टाले जाने के सवाल पर अजय लल्लू ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है और यह सत्य है कि यह सरकार अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। सीतापुर में उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखीमपुर मृतक परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करना चाहती थी तो उन्हें रोककर 4 दिन तक हिरासत में रखा। आप सभी जानते हैं कि सवेरे सोकर उठने के बाद हर घर की महिलाएं, हर घर की बहनें घर की सफाई करती हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसी क्रम में उस अपने कमरे की सफाई की। जब वो सफाई सामने आई तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि जिस जगह पर हम रहते हैं, गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम सब लोगों को सफाई का पालन करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सफाई की बात को कहा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान कितना शर्मनाक है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। मैं समझता हूं कि देश की आधी आबादी महिला बहन जो अपने घर की सफाई करती है, साथ में जो दलित भाई सफाई कर्मी जो नगर कस्बे महानगरों की सफाई करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान उनके अपमान जैसा है। जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, छोटे बड़े मामलों में बुलडोजर चलवा देने वाले मुख्यमंत्री जी अजय मिश्रा टेनी जी के घर पर बुलडोजर कब चलवाएंगे? उनका पोस्टर कब जारी करेंगे जिन अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? मैंने तो पहली बार देखा 300। गुमशुदा की तलाश। नाम आयुषी सिंह उर्फ कुमकुम, पिता का नाम विनय सिंह। हुलिया लगभग 17 वर्ष, गोरा रंग, कद लगभग 5 फीट 5 इंच। पहनावा पीले रंग की कुर्ती, काले रंग की लेगी और सफेद रंग का दुपट्टा। दाहिने हाथ में भूरे रंग का पर्स था। उपरोक्त लड़की दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को लगभग 11 बजे माधव सिंह बाजार में देखी गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई। तमाम खोजबीन के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल सका। उपरोक्त लड़की के बारे में सूचना मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। पता है ग्राम लक्ष्मण या औराई, जिला भदोही, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने पर 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जिसे भी इनका पता चले जल्द से जल्द हमें संपर्क करें।